दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपके लिए एक वीडियो फिर लेकर आई हूँ, लेकिन आज का वीडियो स्पेशल है। आपको मेरा एंथुसियाज्म देखकर कुछ पता तो लग रहा होगा कि मैं क्यों इतनी खुश हूँ। चलिए मैं बता देती हूँ, मैं असल में आज इतनी खुश इसलिए हूँ क्योंकि जो मेरा लास्ट में जो वीडियो था, उस वीडियो को आप सबसे बहुत प्यार मिला। दिल से खुश हूँ कि आप लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, इतना प्यार दिया। साड़ी ड्रेपिंग के पहले जो भी आप फुटवेयर प्लान कर रहे हैं अपने साड़ी के साथ पहनने का, उन्हें आप पहन लीजिए। प्रिंटेड सैटिन साड़ी है, मैं क्रॉप टॉप के साथ इसे पहन रही हूँ। मैं अभी जीन्स के ऊपर इसे ड्रेप कर रही हूँ, आप इसे पेटीकोट के साथ भी पहन सकते हैं। सबसे पहले आपने एक रेगुलर टक अपनी साड़ी को करना है। ये इसमें लेफ्ट और राइट का आप ध्यान रखिए, मैं अपना और लेफ्ट बताऊंगी। मैं यहाँ राइट टू लेफ्ट अपना फैब्रिक साड़ी का टक कर रही हूँ। वेस्ट पे आप क्लीनली पूरा इसे अच्छे से टक कर लीजिए। फिर आप पीछे से अपने राइट शोल्डर पे, दिस इज माय राइट शोल्डर पे थोड़ी सी रफ प्लीटिंग करके इस पल्ले को इस तरह से डाल दीजिए और इतना पल्ला लीजिए कि आपका ज़मीन से टच होता हुआ थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक रहे, इस तरह से। उसके बाद पीछे का जो ये फैब्रिक है, एक हाथ जितना इसे छोड़ के साइड में मेरे लेफ्ट को मैंने इसे टक कर लिया है, इस तरह से। उसके बाद आप यहाँ प्लीटिंग, रेगुलर प्लीटिंग करके इस तरह से इसे सेट करके और टक कर लीजिए, इस तरह से। इसे यहाँ सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लीजिए। यहाँ पर एक छोटा सा प्लीट आके क्लीनली आप इसे टक कर सकते हैं, इस तरह से। अब जो हमने ये पल्ला यहाँ लिया था, इसे हमें प्लीटिंग करना है। छोटी छोटी प्लीट्स बनाइएगा तो वो ज़्यादा सुंदर दिखती हैं, क्योंकि ये फैब्रिक ऐसा है। अगर कोई बॉर्डर्ड साड़ी हो तो आप उसके अकॉर्डिंग, बॉर्डर के अकॉर्डिंग मोटी पतली प्लीटिंग कर सकते हैं। इसे मैं अपने मेरे राइट शोल्डर पे सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेती हूँ। इस तरह से। और इसका जो लास्ट प्लीट है, एज, वो मैं उसका कॉर्नर इस तरह से पकड़ा है मैंने, और अपने सेंटर बैक में इसे टक कर देती हूँ। इसे भी हम सेफ्टी पिन से यहाँ सिक्योर कर लेंगे क्योंकि वो निकलने का डर ना रहे। और ये हो गई हमारी साड़ी ड्रेप। विदिन 5 मिनट्स आप इसे ड्रेप कर सकते हैं, मतलब बहुत बहुत इजी है। ये सिर्फ टैबू है कि साड़ी ड्रेपिंग इज़ अ वेरी टफ टास्क, लेकिन ये टफ नहीं है। एक तो हो गया इस तरह से ये स्टाइल, जहाँ पर हमने इसे खुला छोड़ दिया है, यहाँ से इस तरह से आपको दिखेगा साइड में आपके काउल्स आ रहे हैं। हम इसे इस तरह के किसी बेल्ट से सिक्योर भी कर सकते हैं। ये जो बेल्ट है, ये बीडेड बेल्ट है, स्ट्रेचेबल वुडन बकल के साथ, इस तरह से ये दिखेगा, इस तरह से लुक देगी ये। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं, बाय।